ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, तो आप ये मानो कि आपको डिपोर्ट ही करेंगे 101%। उस हेलो दोस्तों, मैं विकास मलिक, कैसे हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो नए रूल बनाए हैं ना यूएसए ने डोंकी को लेके, जिसमें टाइटल 42 को ओपन कर दिया गया है और जो ट्रांजिट वीजा ना उसको बंद कर दिया गया है। अगर आप किसी भी देश से बॉर्डर क्रॉस करके आते हो ना, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो सारी चीज़ की डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप डोंकी लगाने के लिए जा रहे हो भाई, आप बॉर्डर पे बैठे हो बॉर्डर क्रॉसिंग करने के लिए, अगर आप ये जो इमिग्रेशन ने, जो बॉर्डर पुलिस ने एक एप्लीकेशन जारी की है ना, अगर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको बिना किसी आपके इंटरव्यू के डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, तो आप ये मानो कि आपको डिपोर्ट ही करेंगे 101%। उस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी बच्चा अगर भाई डोंकी लगाने के लिए जा रहा है ना, तो प्लीज़ उस एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। और बिना रजिस्ट्रेशन के मत जाना, नहीं तो आपकी कोई भी सुनवाई वहां नहीं होगी, 101% आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा CBP 1 के नाम से ये एप्लीकेशन है, ये बॉर्डर और इमिग्रेशन की एप्लीकेशन होती है भाई, ठीक है। जो भी बच्चे अभी नए डोंकी लगाने के लिए जा रहे हैं ना, खासकर उनके लिए है, और अपना रजिस्ट्रेशन आप इसमें कर सकते हो। आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे और जो एप्पल के जो भाई फोन यूज करते हैं ना, उसमें ऐप स्टोर पे आपको दिखाई दे जाएंगी। दोनों में आप अपना डाउनलोड करके पहले बॉर्डर क्रॉसिंग से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। अगर आपका इसमें रजिस्ट्रेशन है ना, तभी आपकी फाइल आगे चलेगी। जो आप वहाँ पे असालम लोगे ना USA में, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा तभी आपको असालम मिलेगा। इस एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको ना लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे जाके साइन अप कर लेना। उसके बाद आपको जैसे आप साइन अप करोगे ना, ये आपको पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। आपको ट्रैवलर पे जाके उसके बाद डिटेल अपनी सबमिशन कर देनी है, ठीक है। इसमें आप अपना जो आपका स्टेटस होगा ना, वो भी आप चेक कर सकते हो, और क्या रिपोर्ट है और कौन सी डेट आपको मिली है और आपकी जो फाइल है भाई वो अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है, वो सारे स्टेटस आपको इसमें दिखाई दे जाएंगे। इसमें आप अपना अपॉइंटमेंट भी स्टेटस, जो आपके अपॉइंटमेंट का स्टेटस है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो भाई डायरेक्ट अगर कोई भी बंदा बिना रजिस्ट्रेशन के जाता है ना, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी कोई भाई मेरी ये वीडियो देख रहा हो ना, तो प्लीज भाई ट्रैवल करने से पहले रजिस्ट्रेशन इसमें कर लेना। अगर आप मेक्सिको भी पहुंच जाते हो ना, तो मेक्सिको जाने के बाद भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और कोई भी भाई इंडिया से फ्लाई होने से पहले रजिस्ट्रेशन मत करना, क्योंकि उसमें है ना एक डेट भी मेंशन होते है कि भाई आप कब आपने USA में एंट्री की है, ठीक है। वो डेट आपको कन्फर्म होनी चाहिए, ठीक है। वो कन्फर्म डेट आपको उसमें फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही अप्रूवल होगी आपकी। और ज़्यादातर बच्चे जो भी अभी मान लो ट्रैवल करेंगे जो है ना, वो मेक्सिको जाने के बाद इस एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। USA आर्मी ने, इमिग्रेशन बॉर्डर पुलिस और जो भाई वहाँ पे बॉर्डर आर्मी है ना, उन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च की है। पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया था, लेकिन मैं नाम नहीं बता पाया था। तो ये वो एप्लीकेशन है, कोई भी भाई अगर जाए तो भाई पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। कोई भी अभी इसके बारे में आपको अपडेट नहीं बताएगा, लेकिन ये कंपलसरी है। जो बच्चे डोंकी लगा रहे हैं, एक अपना जो वहाँ पे असालम लेने के लिए जो फाइल सबमिशन करते हो ना आप, उसमें आपको जो प्रूफ देना पड़ता है भाई आप अपनी कंट्री से क्यों आए हो हमारे देश में, आपको क्या खतरा है अपने देश में, ठीक है। उसका भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन लेके जाना, ठीक है। पहले काफ़ी जाते थे ना ऐसे ही बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के चले जाते थे, डिपोर्ट हो जाते थे वो। और भाई अभी थोड़ा सिस्टम है उनका थोड़ा टाइट किया उन्होंने, और आप स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ ही ट्रैवल करना, क्योंकि आप मान लो 40-45 लाख रुपए लगा के जाते हो ना, अगर वहाँ जाके डिपोर्ट हो गए तो आपका सारा पैसा पानी हो जाता भाई, ठीक है। बिल्कुल जीरो हो जाएगी वैल्यू, 45 लाख रुपये, 40 लाख रुपये जो भी आप लगा के गए हो। उससे अच्छा अपना भाई एक अच्छा रिकॉर्ड बना के और एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके ट्रैवल कर लेना। ये एक छोटी सी अपडेट मुझे आपको इस वीडियो में देनी थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।